रामपुर गांव में सोहन नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना विदेश जाकर धन कमाया जाए। सोहन के पास एक तराजू था। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। साहूकार जी, जब मैं विदेश से लौटूंगा तो आपका धार चुका कर तराजू वापस ले लूंगा। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी अमानत मैं संभाल के रखूंगा। चलो साहूकार जी, मैं चलता हूँ वरना मेरी बस निकल जाएगी। इतना कहकर सोहन वहाँ से शहर निकल गया और शहर पहुंचकर वो एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा और अच्छे पैसे कमाने लगा। 2 साल हो गए हैं, अब अच्छा धन भी इकट्ठा हो गया है मेरे पास। अब अपने गांव लौटने का समय आ गया है। यही सोचकर सोहन अगले दिन गांव के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो अपने गांव पहुंच गया। वो अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे साहूकार मिल गया। अरे साहूकार जी, कहां से आ रहे हो? मैं तो बाजार से सब्जियां लेकर आ रहा हूं। तुम बताओ कब आए? साहूकार जी, बस अभी आया हूं। अभी आए हो? चलो एक काम करो, आज तुम हमारे घर ही खाना खा लो। क्या अकेली जान के लिए खाना बनाओगे? चलिए ठीक है। दोनों घर की तरफ जाने लगे। साहूकार जी, आपने मेरी तराजू संभाल के रखी है ना? सोच रहा हूँ किराने की दुकान खोल लूँ। मैंने तो संभाल के ही रखा था, लेकिन ये कमबख्त चूहे है ना, पूरी तराजू चूहों ने खा डाली। सोहन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वो तराजू वापस करना नहीं चाहता। अरे साहूकार जी, कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती, उन चूहों की गलती है जिसने तराजू खाया। हाँ कमबख्त चूहे। मैं सोच रहा हूँ कि खाना खाने से पहले नदी पर नहा लूँ, बहुत दिन हो गए हैं नदी पर नहीं गया। आप एक काम करिए, आप अपने बेटे को मेरे साथ कुछ कपड़े लेकर भेज दीजिए। हाँ हाँ चलो, अभी बोलता हूँ उसे। दोनों घर पहुँचते हैं और साहूकार अपने बेटे को सोहन के साथ भेज देता है। सोहन कुछ दूर जाकर साहूकार के बेटे को एक गुफा में बंद कर देता है और गुफा के गेट पर पत्थर रख देता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए। साहूकार के बेटे को बंद करके सोहन साहूकार के घर आ गया। साहूकार ने सोहन से पूछा, अरे सोहन, मेरा बेटा कहाँ है? साहूकार जी, वो आपके बेटे को तो चील उड़ा ले गई। अरे ये कैसी बात भला, इतने बड़े बच्चे को कोई चील कैसे उड़ा के ले जा सकती है? जब चूहे लोहे का तराजू खा सकते हैं तो चील आपके बेटे को क्यों नहीं ले जा सकती? भाई मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारी तराजू तुम्हें दिए देता हूँ, तुम मुझे मेरा बेटा लौटा दो। साहूकार जाता है और उसकी तराजू उसे लाकर दे देता है और सोहन साहूकार के बेटे को उस गुफा से वापस ले आता है और साहूकार को दे देता है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए